नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बंगाल के चुनावी समर में बीजेपी और टीएमसी पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस यहां एक अलग ही युद्ध लड़ रही है। वोट की पॉलिटिक्स में दम मारने के लिए कांग्रेस ने ISF यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ हाथ मिला लिया है। रविवार को कोलकाता में ISF लेफ्ट और कांग्रेस की एक साझा रैली भी हुई, लेकिन इस गठबंधन पर कांग्रेस में ही बगावत हो गई। वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने इस साझेदारी को शर्मनाक बताया और सांप्रदायिकता पर मनमाने रवैये का आरोप मढ़ दिया। तो जवाब में अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं पार्टी आलाकमान की सहमति से कर रहे हैं, और विरोध करने वालों पर उन्होंने बीजेपी के एजेंडे पर काम करने का आरोप लगा दिया। अब सवाल ये है, क्या बंगाल में मुस्लिम वोटों को लेकर कांग्रेस अधीर हो गई है? और इसी पर होगी आज सुबह की चर्चा। जो कांग्रेस पार्टी में है, महात्मा गांधी के साथ उनके विचार को सोचते हैं, मानते हैं, कि हम गांधी को माने भी और जमीनी हकीकत को नकार दें, हम महात्मा गांधी की तस्वीर लगाएं और अपने अंदर हिम्मत ना हो सच बोलने की, कैसे हो सकता? कैसे हो सकता? आज एक बार फिर हम देख रहे हैं वो हालात कि भारत को कांग्रेस की जरूरत है। ये हालात इसलिए भी बने हैं कि पिछले एक दशक में कांग्रेस कमजोर हुई है। सुबह की अध्यक्षता करते हैं, इसलिए हम बिना यजक अकेले अलग से अपने मनमनी से कोई काम नहीं करते। ये मनगरन सवाल के मनगरन जवाब तो मैं नहीं दे सकता, आप मनगरन सवाल जरूर कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन मनगरन जवाब मैं कैसे दे सकते, क्योंकि मैं इसके लिए काबिलियत है ही नहीं। और सब लोग एक बड़े संगठन को भी एक पंचायत की तरह चलना, सबकी सुने और फिर एक मत बना के कदम उठाएं सही दिशा में। जो सोच हमारे पूर्वजों की थी, जिनके बारे हम है, और जो विरासत में मिला है उसको बचा के रखें, उसको खोए ना, यही हमारी सोच। What I am doing, everybody is being communicated to my higher command. तो ISF जैसे दल कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ हैं, ये कांग्रेस के सीनियर लीडर आनंद शर्मा का कहना है। उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी किया, लेकिन सवाल ये कि विचारधारा को लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर्स जो ये सवाल उठा रहे हैं, इसमें पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोटों की गोलबंदी का जो ये पूरा मुद्दा है, ये किस तरह से छाया हुआ है मुद्दा मुसलमानों के वोट बैंक का, जिनकी 30% वहां पर आबादी है, ममता बैनर्जी के साथ ही अब तक रहे, और इसीलिए अब जो बाकी दल है उनकी भी कोशिश ये कि इस वोट बैंक पर अगर सेंध लगाई जाए तो बंगाल में कुछ फायदा मिल सकता है। सीटों के समझौते पर हालांकि चर्चा जारी है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी और आनंद शर्मा जिस तरह से बयानों के जरिए सार्वजनिक तौर पर विरोधाभास उनके बयानों में दिखाई देता है, अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? लेकिन ISF को लेकर नाराजगी क्यों जाहिर करना? देखिए, कोलकाता में एक साझा रैली हुई रविवार को, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर जो कांग्रेस पार्टी सेक्युलर शब्द पर जिस तरह से हमेशा अपनी विचारधारा को आगे रखती आई है, उस पर नाराजगी कांग्रेस के सीनियर लीडर जता रहे हैं। सांप्रदायिकता पर मनमाने रवैये का आरोप भी ISF पर, और यही वजह है कि ये नाराजगी आनंद शर्मा और बाकी जो सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, उनमें दिखाई दे रही है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम ये भी बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने जब सफाई दी तो उनका ये कहना है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो आला कमान से सहमति के बाद उनके मर्जी के हिसाब से हो रहा है। लेकिन सवाल ये कि जो G23 कहा जा रहा है सीनियर लीडर्स के ग्रुप को, जिस तरह से वो एक के बाद एक बम फोड़ रहा है कांग्रेस पार्टी पर, तो ऐसे में आगामी चुनाव राज्य जहां पर चैलेंज है उसको लेकर आगे तस्वीर क्या होगी? खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुकांता मजूमदार हमारे साथ बीजेपी से आ गए हैं, आप सांसद हैं, तौसीफ खान TMC समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं, और चंदन घोष चौधरी आ गए हैं, आप प्रवक्ता हैं बंगाल कांग्रेस के। चंदन घोष जी, शुरुआत आपके साथ ही। आनंद शर्मा तो साफ तौर पर ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि ये गांधीयन और नेहरूवियन मूल्यों के खिलाफ है जिस तरह का समझौता गठबंधन कांग्रेस पार्टी कर रही है ISF के साथ।
तो एक बात पहले बोलना चाहता हूँ, आनंद शर्मा जी लोगों का वरिष्ठ नेता है और परसेप्शन एक पर्सनल परसेप्शन होगा, क्योंकि यही पे जो बंगाल का कंपल्शन है जिसे कोई धर्म को पार्टी के साथ हम लोग कोई 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 रिलीजियस हम लोग नहीं रहे, इसके कैरेक्टर जो बल में रहते हुए वो समझते क्या है। तो ये पार्टी सेकंड पॉइंट पर ये धर्म निरपेक्षता अगर पार्ट नाम होते तो उनके साथ हम लोग आने करते, ये तो पहला बात। ये है यहाँ पे हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही है बंगाल में, तो जहाँ सारे लोग का करता जो जो हम लोग ढूंढ रहे ये बस बेसिक टर्म पे ढूंढ रहे, क्योंकि हम लोग कहीं पे समझौता नहीं करेंगे जहाँ पे सेकुलरिज्म जहाँ पे प्लूरलिज्म को मतलब तो ये जो सेकुलर फ्रंट है यहाँ पे, ये सेकुलर फ्रंट का नाम से ही मालूम पड़ता है ये सेकुलर फ्रंट है। कोई एक धर्म गुरु का कोई पार्टी जो बनाते हैं तो वो बना के वो अपना जो पार्टी बनाए, तो पार्टी पे हम लोगों का पहला शक था वो ये पार्टी का धर्म निरपेक्षता का एक 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 आइडिया होना चाहिए, तो उन लोगों का अपना नाम बना। लेकिन ये आप कैसे धर्म निरपेक्षता की बात कर रहे हैं ना चौधरी साहब, ये किस तरह की धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है और किस तरह की विचारधारा की बात हो रही है? क्योंकि ऐसा लगता है कि अब मकसद कांग्रेस पार्टी का भी यही है कि जिस तरह से भी हासिल हो सत्ता हासिल करना जरूरी है, और उसमें अगर विचारधारा से समझौता भी होता है तो कोई बात नहीं। और इसके उदाहरण सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, उदाहरणों की लिस्ट भरी पड़ी है। पश्चिम बंगाल में आप ISF के साथ गठबंधन करते हैं, केरल में कांग्रेस ने पहले ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के आप साथ हैं, असम में चुनाव से पहले बदरुद्दीन अजमल की AIUDF से आप लोगों ने हाथ मिलाया, और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा उदाहरण शिवसेना के साथ आप मौजूद हैं। तो विचारधारा कहाँ है? सवाल तो मुस्लिम वोटों का है। यह सही बात सुनिए, मुस्लिम वोट हो या हिंदू वोट हो, अगर सेकुलर वोट का एक लोकतांत्रिक एक आइडिया बनता है तो इसमें जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कोई एक पार्टी दूसरा पार्टी को खरीद नहीं रहे तो दे आर नॉट बाइंग अप, ये खरीद तो नहीं रहे, वो एक समझौता पे आते हैं, एक अलाइनमेंट पे आते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर। इसमें क्या तकलीफ है? क्योंकि अगर शिवसेना भी रिटनली दे देते हैं ये सेकुलर, ये कांग्रेस का जो मुद्दा है, कांग्रेस का जो जो आदर्श आदर्श है इसी का बराबर चलेंगे ये नेशनली, तो इसमें क्या तकलीफ है? ये हर पार्टी अपने लिख देता है, ये कांग्रेस का आदर्श का ठीक है, यानी विचारधारा विचारधारा कोई मुद्दा ही नहीं है, विचारधारा कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ गठबंधन कर लेती है, वही सवाल तो आपके सीनियर लीडर्स उठा रहे हैं ना, वही वही सवाल तो आपके सीनियर लीडर्स उठा रहे हैं। नहीं नहीं, कांग्रेस एडजस्ट नहीं कर रहे, इन लोग एडजस्ट करके ये विचारधारा बनाते हैं जो कांग्रेस बना चुके हैं। मजुमदार जी, अधीर रंजन चौधरी तो कह रहे हैं कि सीनियर लीडर्स जो मुद्दा उठा रहे हैं उससे फायदा बीजेपी को हो रहा है। देखिए, फायदा बीजेपी होगा कांग्रेस के बाद की बात, लेकिन सबसे बड़ी बात है जैसे जैसा आप अपने घुटने टेक दे रही है ISF जैसे इंडियन सेकुलर फ्रंट जैसे पार्टी के साथ। इंडियन सेकुलर फ्रंट में सिर्फ सेकुलर जो वार्ड है वो सेकुलर है, बाकी कुछ भी सेकुलर नहीं। अब्बा, और सबसे बड़ी बात है हमारे लोकतंत्र के लिए लज्जा की बात है, शेम की बात है। अधीर दा जब वो हमारे विरोधी है लेकिन हम रेस्पेक्ट करते हैं उनको, क्योंकि वो विरोधी दल कांग्रेस के लोकसभा फ्लोर के लीडर है, लेकिन अधीर दा जब बोल रहे थे उस समय उनके जैसे रेस्पेक्टेड नेता के उपस्थित भाषण के समय अब्बास सिद्दीकी जब स्टेज पे आए और अब्बास सिद्दीकी की वजह से अधीर दा का जो अपमान हुआ वो सिर्फ अधीर चौधरी या कांग्रेस के अपमान नहीं है, वो फ्लोर लीडर है ऑपोजिशन के या कांग्रेस के, इसलिए वो गणतंत्र की हमारी डेमोक्रेसी की अपमान है। और ऐसा देखने को मिला, अधीर दा खुद भाषण छोड़ के वहां से जाने वाले थे, तब विमान बोस जो लेफ्ट फ्रंट के नेता है उन्होंने आके संभाला अधीर दा को, लेकिन हमें भी दुख लगा। कांग्रेस को क्यों नहीं दुख लग रहा है? तो कांग्रेस को टेस्ट करना चाहिए, उनके नेताओं को बताना चाहिए, लेकिन हमें दुख लगा कि अधीर दा जैसे रेस्पेक्टेड नेता के भाषण के बीच जैसा बदसुलूकी, मैं ये शब्द का इस्तेमाल करूंगा, जैसे बदसुलूकी किया गया अधीर चौधरी साहब के साथ, उसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं है आपके लिए? बहुत बुरा है।
नहीं, लेकिन अगर अगर आप ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं आईएसएफ के साथ उनके समझौते को, लेकिन विचारधारा का ये सवाल तो सर आपके ऊपर भी इसी तरह से उसी बराबरी के साथ उठता है, क्योंकि होता क्या है, जिस तरह की तस्वीर जम्मू कश्मीर में दिखाई दी, जब आपने पीडीपी के साथ गठबंधन कर लिया तो ठगा हुआ तो जनता अपने आप को महसूस करती है ना। जिस जनता ने पीडीपी को वोट किया इसका मतलब उसने बीजेपी को वोट नहीं किया था, जिसने बीजेपी को वोट किया उसने पीडीपी को वोट नहीं किया था, लेकिन बाद में आप लोग साथ में आ गए। विचारधारा का ये संकट सिर्फ कांग्रेस में नहीं, ये तो आपके लिए भी है, यानी चाहिए सबको सत्ता। हम 370 धारा 370 के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और इससे बीजेपी 370 जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि हटेगा, हमने हटा के दिखा दिया है। हम अपने आइडियोलॉजी 370 की बात नहीं हो रही ना, बात तो ये हो रही है विचारधारा से समझौते की। उस विचारधारा से समझौता पीडीपी के साथ गठबंधन में आप लोगों ने भी किया, सवाल ये है। नहीं, विचारधारा से समझौता नहीं किया, हमने हमारे एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश, जब पीडीपी ने उस पर रुकावट की हम सरकार से बाहर आ गए, हमारे गठबंधन टूट गई। लेकिन हम कभी भी देश की अखंडता, देश की जो देश की सीमाएं हैं और देश की जो अखंडता है उसके साथ हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज किसी भी हालत पे नहीं करेंगे। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, उसके बाद पार्टी आता है, पार्टी उससे पहले नहीं आता। अगर देश की बात तो आसिफ खान जी, जब सवाल विचारधारा के ऊपर ही उठ रहे हैं, जब सवाल इसी बात पर उठ रहे हैं कि सिर्फ सत्ता हासिल करनी है और उसके लिए विचारधारा से किस तरह के समझौते हो रहे हैं, इसमें तो कोई दर भी पीछे नहीं। अब जिस आईएसएफ के साथ में समझौता कांग्रेस और लेफ्ट का हुआ है, पाल पोस्कर तो आपने ही बड़ा किया था, आज आप चुनाव से पहले आपका साथ छोड़कर चले गए। नहीं देखिए, अभी जो 2021 का जो इलेक्शन हो रहा है और खास तौर पर जो बंगाल का इलेक्शन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन है। और किस नजरिए से महत्वपूर्ण इलेक्शन है कि आज देश के अंदर में सारे लोग परेशान है कि देश का क्या हालत हो गया है। महंगाई देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, बेरोजगारी देखिए, आप GDP देखिए, इकोनॉमी देखिए, किसानों का हाल देखिए। तो लोग चाहते हैं कि एक बीजेपी जो है इसकी सरकार जाए। बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत नेता कौन है पूरे देश भर में? सबसे मजबूत नेता ममता बनर्जी है, जो पूरे मजबूती के साथ 2019 में भी चुनौती दिया था उन्होंने, लेकिन जिस 30% वोट बैंक में सत्ता दिलाई, अगर वो खिसक गया तो कैसे सत्ता में लौटेंगी? नहीं, जहां तक ये बंगाल में 30% वाला बात अगर आप कर रहे हैं तो वो खिसकने वाला नहीं है। उसका वजह यही है कि दो ही प्लेयर है बंगाल में, एक बीजेपी, दूसरा तृणमूल। बीजेपी जो है अपना गेम ही, अपने बीजेपी के ऑडियंस जो टारगेट ऑडियंस है वो है ही 70%। नहीं, लेकिन सर सवाल तो उस वोट बैंक का है ना, जो शायद बीजेपी को वोट भी नहीं करना चाहता और जो ममता को भी वोट नहीं करना चाहता, वो खिसक गया तो संकट, इस संकट की आहट आपको दिखाई देती है? हाँ, तो जो लोग बीजेपी को नहीं वोट देना चाहते हैं उनके लिए, उनके जहन में यही सवाल उठेगा कि बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूती के साथ कौन खड़ा है, किसमें क्षमता है जो बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दे सके, वो ममता बनर्जी के अलावा कोई नहीं है। तो वो जितना भी नाराज हो सकते हैं किसी न किसी तृणमूल के नेता से, लेकिन आखिर में वो ममता बनर्जी का चेहरा देखकर, ममता बनर्जी के बातों को सुनकर, ममता बनर्जी पे भरोसा करके तृणमूल को ही वोट देंगे। चलिए, उम्मीद है आप बहुत जता रहे हैं, लेकिन नतीजों के बाद पता चलेगा कि जनता ने आखिर सत्ता की चाबी किसे सौंपी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, फौरन इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, देखते रहिए आज तक। तो पश्चिम बंगाल में आईएसएफ के साथ हुए गठबंधन को लेकर कांग्रेस में आपसी खींचतान जारी है, जिसे लेकर आनंद शर्मा और अधीर रंजन चौधरी अब आमने सामने आ गए हैं। आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, एवरीबॉडी इज बीइंग कम्युनिकेटेड टू माय हायर कमांड। माय लीडरशिप हैज बीन। तो मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो आला कमान को पता है, लेकिन सवाल ये जो आनंद शर्मा ने उठाया कि CWC की बैठक में इस तरह का मुद्दा क्यों एड्रेस नहीं हुआ, सवाल बड़े हैं, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाल के मुद्दे पर ही कांग्रेस में अंतर्कलह मची है, नेताओं का अलग ट्रैक खुलकर दिखने लगा है। संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने गुलाम नबी आजाद को सलाम किया, तो हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने भी PM की जमकर तारीफ की, जो कांग्रेस को चुभ गई। दुर्भाग्य से हमारी शिकस्त होती गई, हम कमजोर हो गए, और उसका नुकसान देश को हुआ, उसका फायदा सत्ताधारी दल को, ठीक, वो भी इसी देश की पार्टी। और
एक बात जरूर कहूंगा मैं कि जैसा प्रजातंत्र में मैंने कहा अलग अलग विचारधाराएं होती है, देश में भी सोच संगठन के अंदर भी वो रहती है। पर अगर कोई अपना मत ना व्यक्त करे कि इसका मतलब कोई क्या निकाल ले, फिर वो ना घर मजबूत रहता, ना समाज, ना संगठन। मुझे बहुत सारे लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गांव का, तो मुझे बड़ा फख्र होता है कई बड़े लीडर हैं हमारे, प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से, मैं था कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय में सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। और जो वही आपने अपनी असलियत छुपाई तो आप एक मसनवी दुनिया में रहते हैं, एक आरजी दुनिया में रहते हैं। आदमी को फख्र होना चाहिए। ठीक है आनंद शर्मा जी, आपने जो ट्वीट किया और जो प्रश्न खड़े किए वो तो सारी देश की जनता के सामने प्रश्न है, क्योंकि जो कांग्रेस केरल में जाती है तो सीपीएम के खिलाफ बयानबाजी करती है, सीपीएम के खिलाफ चुनाव लड़ती है, वही नेता जो केरल में सीपीएम को गाली देकर आता है वो बंगाल आता है तो सीपीएम के नेताओं के साथ गले में हाथ डालता है और सीपीएम की प्रशंसा करता है, तो क्या आइडियोलॉजी है? राजनीतिक पार्टी का ये भी कर्तव्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, संगठनों को, संस्थानों को अपनी विचारधारा में तब्दील करें। भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश करती है कि अच्छी से अच्छी अच्छी वाली संस्थाएं जो हैं वो सांप्रदायिक हो जाएं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि तमाम ऐसी संस्थाएं जो भूली भटकी हैं या दूसरी गलत विचारधारा में हैं वो अपना मत बदलें। तो क्या परिस्थिति है ये बंगाल कांग्रेस को देखना चाहिए। आनंद शर्मा जी की भी बात को ध्यान में रखना चाहिए कि केवल चुनाव के लिए हम किसी से गठजोड़ या गठबंधन नहीं करें। तमाम मेहमान जुड़े हुए हमारे से चर्चा में। चंद्र घोष चौधरी जी, ये स्टेटमेंट हमने आपका अभी आपको सुनवाया जिसमें आनंद शर्मा, गुलाम नबी आज़ाद जो बातें कह रहे हैं वो कम से कम इस तरफ इशारा करते हैं कि क्या भीतर की आवाज़ें सही मंच पर एड्रेस नहीं की जा रही हैं। अधीर रंजन चौधरी से जब सवाल पूछा जाता है वो कहते हैं मुझे नहीं पता, आला कमान का ये फैसला है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं क्या उनसे कंसल्ट करके क्या ये समझौता नहीं हुआ है? CWC का जिक्र हो रहा है, आनंद शर्मा कह रहे हैं कि वहां पर चर्चा ही नहीं हुई, वहां पर बात होनी चाहिए थी। नहीं, ये बात ये कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन ये बात एकदम सही से ये प्रदेश सभापति प्रदेश प्रेसिडेंट अधीर रंजन चौधरी जी, अधीर रंजन चौधरी हम लोगों का क्या होते हैं हाईकमांड से, मतलब CWC से हम लोगों का डायरेक्शन आते हैं, हम लोगों का निर्देश आते हैं। तो अधीर रंजन चौधरी अभी प्रदेश प्रेसिडेंट एंड ही हैज टेकन द सिग्नल, ये सिग्नल वहीं से आए, ये एकदम सही बात है। और दूसरा बात ये है इसमें जो पार्टी लाइन है एक कॉम्पल्सरी पार्टी लाइन होते हैं जो अलग अलग राज्यों में एप्लीकेशन होता है, जिसे आप देखिए तेजस्वी यादव यस्टरडे केम टू कैलकटा तो ममता जी के साथ उनका मीटिंग, तो बात ये है ये इसमें क्या महागठबंधन बिहार में टूटे? नहीं, बात ये होता है एक कंपल्सरी सिचुएशन होता है, तृणमूल एक स्टेट पार्टी है, RJD एक स्टेट पार्टी है, तो इन लोगों का कंपल्सन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन कांग्रेस के लिए पूरा देश में एक तो कंपल्सरी सिचुएशन होता है। और इसी में बंगाल लाइन सीपीएम का अगर स्टडी कीजिएगा तो देखिएगा सीपीएम का एक बंगाल लाइन होते हैं जो बंगाल लाइन पूरा देश का लाइन से थोड़ा अलग होते हैं, एंड दैट इज पर्मिटेड बाय द पॉलिट ब्यूरो। तो इसमें क्या है उन लोगों का साथ हम लोगों का जो बंधन हुआ है, जो गठबंधन हुआ है बंगाल में, इसमें पूरा इशारा था हम लोगों का सुप्रीम अथॉरिटी। लेकिन चौधरी साहब, क्या आप ये समझ रहे हैं आपके सामने प्रतिद्वंदी किस तरह के हैं? एक तरफ ममता बनर्जी हैं, एक तरफ बीजेपी है। बीजेपी ने जिस तरह की अपनी सेंट्रल फोर्स को जमीन पर उतारा है, चाहे जेपी नड्डा जा रहे हैं, अमित शाह जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, आपके बड़े नेता कहाँ हैं? कांग्रेस के भावी अध्यक्ष तो दक्षिण भारत में दिखाई दे रहे हैं। जरा विजुअल्स दिखाइए सौरभ, ये जो तस्वीरें कल देश भर में दिखाई दी, बंगाल में इतना बड़ा चुनाव हो रहा है लेकिन वो दक्षिण भारत में दिखाई दे रहे हैं जहां पर पुशअप्स हो रहे हैं, जहां पर वो मछुआरों के बीच पहुंच रहे हैं। सवाल तो ये उठता है कि चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, बंगाल जहां पर एक बड़ी लड़ाई है वहां पर उनकी मौजूदगी दिखाई तक नहीं दी, जबकि आपके ओपोनेंट्स इतनी मजबूती से दिखाई देते हैं, तो क्या पहले ही मान लिया है कि यहां पर जीत की संभावना नहीं है? मानने का कोई बात नहीं है। मेरा 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 आप 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 आपको क्वेश्चन किया, मेरा आंसर दे दीजिए। मेरा आंसर ये है अभी पहला मतलब जो चुनाव है ये चुनाव है
केरला में, तमिलनाडु, पुडुचेरी में, जहाँ पे हम लोगों का सेंट्रल लीडरशिप इंक्लूडिंग राहुल गांधी। आपको लगता है कि सिर्फ दक्षिण भारत से ही संजीवनी मिलेगी? आई टेल यू नहीं 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 नहीं, ऐसा लगता है कि बंगाल में तो स्कोप नहीं है, दक्षिण भारत से ही संजीवनी मिलेगी हम लोगों का? नहीं, सुनिए, बंगाल में 8 पेजेस इलेक्शन है, वहीं पे 1 पेज इलेक्शन है। 8 पेजेस इलेक्शन में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हर बड़ा नेता ये कांग्रेस का, ये बंगाल में आएंगे। लेकिन पहला कॉम्पल्शन क्या है, पहले जैसे इलेक्शन केरला, पुडुचेरी या तमिलनाडु में हो रहा है तो वहीं पे गए प्रियंका गांधी जी सामने गए, क्योंकि ये पहला इलेक्शन, ये पहला चुनाव वहां पे मिट जाने का बाद, तो बंगाल का चुनाव तो 8 पेज का है, तो इनके इनका पास तो अपना पद मिलेगा। तो ठीक है, मतलब जब चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी तब वहां दौरे होंगे, जबकि आपके जो जिनसे आपको लड़ना है जमीन पर युद्ध, उन्होंने जिस तरह की फोर्स जोगी है, योगी आदित्यनाथ तो आज पहुंच रहे हैं मालदा पूरा, तो पहुंच रहा है, क्योंकि उनका सेंट्रल लीडरशिप नहीं है, लोकल लीडरशिप नहीं है। आप एक बात देखिए, आप एक बात सुनिए, मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, जोगी जी क्यों इतना दरकार पड़ते हैं ये बंगाल में, क्योंकि बंगाल में कोई फेस नहीं है, बंगाल का लीडर नहीं है। योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं मालदा, उनकी आज रैली है वहां पर, और आज से उनके धुआंधार चुनाव प्रचार की शुरुआत हो रही है। तौसीफ खान, नहीं आ रहे हैं योगी जी को तो धोखा नहीं जा सकता, वो आ रहे हैं और आकर के बंगाल में गंदगी फैलाएंगे, वो नफरत फैलाएंगे, बंटवारा, पोलराइजेशन करेंगे, लेकिन इससे बंगाल की जनता को फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। जब बीजेपी का घिनौना चेहरा सामने आया, दिलीप घोष ने जब वो कमेंट दिया कि माँ दुर्गा का एंसेस्टर कौन है, नया ने कहाँ से आ गई, इस तरह की जब उन्होंने बातें की, माँ दुर्गा का इंसल्ट किया, तो भगवान में कॉम्पिटिशन लगाने लगे, तो ये बंगाल ने तय कर लिया है कि बीजेपी को वो नहीं, लेकिन बीजेपी पर आप जिस चीज के आरोप लगाते हैं, जिस बात के आरोप आप बीजेपी पर लगाते हैं, उनकी तैयार की हुई उसी पिच पर तो आप भी खेल रहे हैं आज की तारीख में, फिर फर्क क्या रह गया? नहीं, दिसंबर महीने में ममता बनर्जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पब्लिश कर दिया है कि 10 साल में बंगाल सरकार ने क्या क्या काम किया है, वो द्वारे सारे सरकार कैंपेन चला रही है सरकार का काम को लेकर के, बता दीजिए बीजेपी ने कौन सा रिपोर्ट कार्ड पब्लिश किया, डिमोनेटाइजेशन का क्या हुआ, किसान के बिल का क्या हुआ, बीजेपी ने कोई देना होगा ना सर, बीजेपी सेंटर में तो है सरकार में ना, चलिए सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर के सारे मिनिस्टर आ रहे, सेंटर के सारे मिनिस्टर आ रहे बंगाल में, 33 मिनिस्टर आए, 33 बीजेपी के बड़े बड़े लोग, सीधा आरोप उनका, योगी आदित्यनाथ वहां जा रहे हैं तो ध्रुवीकरण का एक और प्रयास बीजेपी की तरफ से होगा चुनावी बयानों के जरिए। देखिए बीजेपी की ये ताकत है कि तौफीक खान जैसे लोग, जो माँ दुर्गा का आज नाम है, तौफीक खान हो या अब्बास सिद्दीकी हो, जितने सारे लोग हैं, इन लोगों का एक हिडन एजेंडा है कि बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाए, तो ये एजेंडा हम कामयाब होने नहीं देंगे। हाँ, हमारे पास बड़े बड़े नेता है, इससे आते हैं, उनके पास सिर्फ ग्रेनेड है, वो ग्रेनेड फेंकते हैं, हमारे पास मिसाइल्स है, हम मिसाइल, बंगाल में कौन है आपका नेता, बंगाल में कौन सा रॉकेट, बंगाल में कितने नेताओं को नाम बोलूं, दिलीप घोष जी है हमारे अध्यक्ष जी, दिलीप घोष जहाँ जाते हैं वहाँ ममता बनर्जी के पसीने छूटते जाते हैं। तो टीएमसी में सेंध लगाने की जरूरत क्यों पड़ी फिर? टीएमसी से लोगों को तोड़ के लाने की जरूरत क्यों पड़ी? अरे हम कहा तोड़ के ला रहे हैं, टीएमसी ने अपने भतीजे को, ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को ऊपर से पैराशूट से डाल दिया, अब टीएमसी के जो लोग है उनको न सम्मान है न कुछ अधिकार है, सारा वो दो पीसी और भाई को दोनों मिल के सारा डिसीजन लेते, बाकी तो लैम्प पोस्ट है, एक ये दो पोस्ट है और बाकी जो है टीएमसी के नेता सारे लैंप पोस्ट है, इनकी बातों का, इनके कद का कुछ तक कुछ एक पैसा भी दाम नहीं है। मेरे पार्टी में जो कद है, एक छोटा सा सांसद होने मैं हूँ, लेकिन उनके जो बड़े बड़े नाम है ना, वो नाम ही के नाम है, वो पे है, लेकिन कभी बात नहीं होते, कभी फटते नहीं, बूम नहीं गिरा सकते, तो ही पोस्ट है, बाकी सब लैंप पोस्ट है। इसके तौसीफ जी वो तो कह रहे हैं आपके पास भी नेताओं की कमी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि उनके पास ऐसा चुंबकीय आकर्षण है कि उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं आपकी पार्टी के लोग? नहीं, देखिए उनको तो चाहिए कि बीजेपी का नाम बदल करके तृणमूल ही रख देना चाहिए, क्योंकि उनके पास में तो कोई नेता नहीं, एक तरफ है ममता बनर्जी का तृणमूल और एक तरफ है दिलीप घोष का तृणमूल, तो जनता डिसाइड कर लेगी वो असली तृणमूल को वोट देगी या नकली तृणमूल को वोट देगी,
और जहां तक ये बात करते हैं कि इनके बड़े बड़े नेता हैं बाहर से आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आइए घूमिए फिरिए, बंगाल में आइए, बंगाल का हवा देखिए, खाना पीना कीजिए और उसके बाद चले जाइए। आप तो पर्यटन है, आप तो टूरिस्ट गैंग है, बंगाल की जनता आपको टूरिस्ट के तौर पर देखती है कि इलेक्शन का उनका मौसम आया है तो ये सारे नेता, होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, ये नड्डा साहब हो, ये योगी साहब हो, ये मध्य प्रदेश से लोग आते हैं, दिल्ली से आते हैं, गुजरात से आते हैं, वो आएंगे घूम फिर करके चले जाएंगे। बंगाल जो है वो बंगाल की बेटी को ही वोट देगा। बंगाल की घोष बाबू, ये सवाल मैं फिर एक बार आपकी तरफ लेकर आ रही हूँ। ये लड़ाई आपने देखी, जो जो मजूमदार जी कह रहे हैं, जो तौसीफ खान कह रहे हैं, वो कम से कम अपने बड़े नेताओं के नाम ले रहे हैं, लेकिन आपके बड़े नेताओं का नाम तो सुर्खियों में भी नहीं आ पा रहा है। घोष बाबू, हेलो जी। हम लोगों का यहाँ पे हम लोगों का सुनिए, अधीर रंजन चौधरी इज एनाफ नेम इन बंगाल। अधीर रंजन चौधरी का लीडरशिप कांग्रेस पे एनाफ एंड फाइव टाइम्स एमपी बंगाल का राजनीति में अधीर रंजन चौधरी इज अ वेरी बिग नेम। तो हम लोग ऐसा एक दरकार नहीं है ज्यादा सा बाहर से, मतलब सेंट्रल लीडरशिप से, वो हम लोग संभाल लेंगे, हम लोग का फेस भी है। लेकिन बात ये होता है जो क्राइसिस बीजेपी में है और जो मिस मैनेजमेंट तृणमूल में है, हम लोग में नहीं है। हम लोग तृणमूल एंड बीजेपी को देखते हैं, तृणमूल बीजेपी इज अ पी टीम ऑफ तृणमूल, क्योंकि बीजेपी का 90% भरा चुका है ये तृणमूल। तो अभी एक है लीडरशिप है ममता बनर्जी, एक है विदाउट लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी, ये दोनों पार्टी है। तो बीच में हम लोग है, जो ग्रैंड अलायंस, जो अलायंस है, जो अलायंस फाइट करेंगे और हम लोग मतलब डेवलपमेंट का मुद्दा पे बात करेंगे, हम लोग ऐसे ही बात करेंगे जो एक्चुअली द पीपल वांट। ठीक है, हम लोग तौसीफ खान जी, ये जो ठीक है तौसीफ खान जी, आप कह रहे हैं कि तृणमूल विदाउट ममता, तृणमूल विद ममता, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जब ममता बनर्जी भी कांग्रेस से आई थी तो वो भी तो कांग्रेस का एक धड़ा तोड़कर अपने साथ लाई थी। ममता बनर्जी ने अपना पार्टी बनाया था, उनके अंदर में क्षमता था, उनका पहचान था, लोकप्रिय नेता थी, मास लीडर थी, सड़क में उतर कर आंदोलन करके अपना पहचान बनाया और उन्होंने अपना पार्टी बनाया। आज बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी तो दूसरे पार्टी वालों को अपने पार्टी में ले रही है, तो ये तो बीजेपी से एक्सपेक्टेड है, ये कोई नया बात नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि उनका तृणमूल नकली तृणमूल है, असली तृणमूल तो ममता बनर्जी के साथ है। तो जनता क्या, जनता किसको वोट देगी, ऐसे नेता को, ऐसे पार्टी को वोट देगी जो अपने लीडर के साथ खड़ी है, या वैसे पार्टी को, वैसे लोगों को वोट देगी जिनको ये बीजेपी वाले कल खुद ही कहते थे कि ये भ्रष्टाचार है, सीडी बना करके छोड़ते थे कि देखो ये पैसा लिया जा रहा है, अब उन्हीं नेता को ये अपने पास में ले आते हैं जैसे कि ये वॉशिंग मशीन है। ठीक है, तो जनता तो इस बात को समझती है कि ये अपना नकली तृणमूल के सहारे कैसे चुनावी वैतरणी पार लगेगी। देखिए मीनाक्षी जी, आपके पास बिस्लेरी का एक बोतल है जिसमें साफ पानी, आपने एक गंदा कंटेनर में वो पानी डाल दिया, तो पानी साफ ही होता है, कंटेनर ठीक होना चाहिए। ऐसे बीजेपी भी एक सांगठनिक दल है, तो बीजेपी में जो भी आता है उसको बीजेपी के हिसाब से चलना पड़ता है, बीजेपी किसी से हिसाब नहीं चलती, और तृणमूल कांग्रेस ऐसा दल है। नहीं, लेकिन फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज होती है ना सर, वो करप्शन नहीं करेगा मजूमदार जी, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन भी कुछ चीज होती है ना, जो बड़े लोग आपके दल में शामिल हो गए जिनके ऊपर गंभीर आरोप थे इन्वेस्टिगेशन के, जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना था, चाहे वो मुकुल रॉय हैं, जब वो तृणमूल में थे तो तस्वीर अलग थी, बीजेपी में आ गए तो तस्वीर अलग हो गई। नहीं 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 मीनाक्षी जी, आप गलती कर रहे हैं, मुकुल दास को ज्वाइन करने के बाद भी सीबीआई ने बुलाया, सीबीआई ने बुलाया। हम बार बार बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि नेता कोई भी अगर किसी ने क्राइम किया है वो अगर उसको फेस करना है, लॉ को फेस करना है, और लॉ जो देगा उसको सजा देगी, वो सजा के हकदार अगर हुए तो सजा उनको भुगतनी है। लेकिन सीएमसी ऐसा कंटेनर है ना, जो भी भेजिए उसमें गंदा पानी ही निकलेगा। आरोप प्रत्यारोप अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच एक तरफ, लेकिन जनता की अदालत में फैसला किसके पक्ष में जाता है ये बंगाल को अब तय करना है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त हमारे एक ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, देखते रहिए आज तक। भाई साहब कितना हुआ? 120 लगनी चाहिए। और भी लोगों से पूछते हैं कहां गए सबके सब। भाई साहब कौन है आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? आप जरूर को जानते हैं। सर मैं पांडे आपका कैमरामैन, अब रोज से हम गलती करते हैं। गलती तो हुई है, गलती में कौन कौन से लोग शामिल है सबका पर्दाफाश करके रहेंगे। मैडम ये जो हो रहा है इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है?
हम बज रहा है सच का बैंड। हाँ मैडम, ये सच का बैंड बजाते हैं और आज तक वाले इनका। समाचार तमाशा नहीं, भरोसा आज तक सबसे तेज।